ये देखो ज़रा क्या हो रहा है बच्चों, मोबाइल में लगे हैं सब। ये देखो ज़रा यहाँ भी मोबाइल चल रहा है। यहाँ भी मोबाइल चल रहा है। देखें सब आराम से सो सो के उठे हैं, अभी नाश्ते से अभी भी फारिग हुए हैं। कपड़े हैं कि सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और बारिश है कि रुकी नहीं रही है। ये हाल देख रहे हैं आप, बारिश के अंदर बहुत ही गंदा हाल हुआ है। ये देखें पानी का हाल, देखें कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पर। वो देखें दूर तक पानी पानी नज़र आएगा आपको, इतनी बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और लाइट ने भी ऐसा बुरा हाल किया हुआ है। ये किचन का हाल है नाश्ते के बाद, और टाइम हुआ है अभी 1:30 बज रहा है। तो चलें हम किचन की सफाई करें, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करे, और जिससे कोई भी मुश्किल या परेशानी, कोई भी दुख या तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक उसे अपना ख़ास रहम करम नाज़िल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है थर्सडे व्लॉग, जुमरात वाले दिन का व्लॉग है ये, और यहाँ पर दोपहर का टाइम है और मैंने यहाँ पर दोपहर में कुछ बनाया नहीं था, लेफ्ट ओवर सालन रखा हुआ था आलू गोश्त का, तो मैंने वही निकाल के गर्म कर लिया था। किचन में साफ़ कर चुकी थी और आज बच्चों की तबीयत भी ख़राब थी और थोड़े से ज़रा मौसम की वजह से सब थोड़े ऐसे हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पर चिकन सूप बनाया था, वो भी बिल्कुल देसी वाला सूप बनाया था जो यखनी टाइप का होता है ना वो, तो मैं कहा सब पी लेंगे तो थोड़ी तबीयत सेट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं शाम में बनाऊँगी पकौड़े 2-3 तरह के, तो उसके लिए मैंने सामान मंगवाया था, तो ये सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पर जनाब दोपहर का लंच हो रहा है, और ये हमारा सूप तैयार हो चुका है जो यखनी टाइप सूप है, यखनी वाला सूप है, बिल्कुल देसी सूप है ये, और जो कि बहुत ही मज़े का बना था और बच्चों ने और बड़ों ने सब ने शौक से पिया था। तो बच्चों को भी आजकल नज़दीक ज़ुकाम हो रहे हैं, मौसम की वजह से रात में ठंडक हो जाती है, दिन में गर्मी हो जाती है, तो मौसम बहुत ख़राब चल रहा है अभी, और अल्लाह ताला बस ये बारिशों का मौसम जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और ये हालात बेहतर कर दे। और यहाँ पर मैं ये आलू कट कर रही थी, मुझे बनाने हैं पकौड़े आलू के जो हम स्लाइसिस करते हैं और बेसन में डिप करके जो बनाते हैं, वो वाले पकौड़े बनाऊंगी, और दूसरे प्याज वाले पकौड़े बनाऊंगी जिसमें प्याज़ ज़्यादा तलती है और बेसन बिल्कुल थोड़ा सा तलता है। तो इसकी मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पर पकौड़ों की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, तो मैं कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही मैं इसकी। तुम लोगों को पसंद आया था ना पकौड़े, कितने मज़े के बने थे, अच्छे बने थे। तो यहाँ पर पकौड़ों की तैयारी हो रही है, तो बारिश के मौसम में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बारिश के अंदर पूरी हलवा पूरी बनाई जाए या पकौड़े बनाए जाएँ, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर ये देखें हमारे आलू वाले पकौड़े तैयार हो चुके हैं, और यहाँ उमामा ने पहले ही खाना शुरू कर दिए थे रायते के साथ, रायता बनाया उसने और ख़ुद ही शुरू हो गई है और टेस्ट करके बोली मम्मा बहुत अच्छे बने थे। हैं मम्मा अच्छे बने थे, अच्छे बने थे, अच्छा अच्छे बने थे। और यहाँ पर मैं प्याज वाले पकौड़े फ्राई कर रही थी, जिनकी बाबा ने बहुत फरमाइश की थी कि आलू वाले पकौड़े बनाएं और प्याज वाले बनाएं। और मौसम देखें इतना ख़तरनाक हो रहा है, इतनी शदीद बारिश हो रही है, मुस्तकिल बारिश चल रही थी जुमरात वाले दिन, और पानी का हाल देखें आप कितना यहाँ पर पानी पानी हो रहा है, सारा नीचे पानी ही भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है कि बारिश बंद हो चुकी है आज, तब भी पानी मज़ीद कहीं और से आ रहा है, जैसे पानी मज़ीद और ज़्यादा भर गया पानी, इतना क्लाउडी मौसम हो रहा है, बिल्कुल पैक हुआ है आसमान। ये देखिए आप हाल देखें, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है।
तो जनाब ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, और ये शाम का टाइम है, हम लोग अपने पकौड़े एंजॉय कर रहे थे रवायते के साथ और कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।